लंबी होगी क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि चंद्र लग्न से गोचर पे सूर्य किन भावों में अच्छा फल देता है, और मैंने बताया था कि चंद्रमा से जब 3 घर आगे 6 घर 10वें घर और 11वें घर होता है तो अच्छा फल देता है। और जैसा प्रॉमिस किया था आज मैं बताऊंगा कि चंद्र लग्न कुंडली में आपको उठा लेनी है और बात करेंगे एक एक घर पर सूर्य का गोचर या सूर्य बैठा हो डिफॉल्ट लग्न कुंडली में तो क्या फल देता है। तो देखिए जब सूर्य आपका जब पहले घर पे जाएगा, ठीक है जी, चंद्र लग्न में जब गोचर का सूर्य आता है तब धन का नाश होता है, व्यक्ति मान सम्मान में कमी आती है इस वाले घर पर जब पहले घर में गोचर में आएगा, क्योंकि एक अग्नि है एक आग है दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। क्योंकि जब देखिए अग्नि को पानी बुझाएगा या आग जल को पानी अग्नि जब जलाएगी तो उससे भाप बनता है जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम करता है, रक्तचाप, हृदय रोग, थकावट, पेट और नेत्र से रोगों को देता है। आपको भोजन जो है डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता है, मानसिक पीड़ा रहती है, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे मानसिक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है जी। आइए अब दूसरे घर पे क्या है, चंद्र लग्न से चंद्रमा यहीं बैठा हुआ है, यहाँ से दूसरे घर में जब सूर्य आता है तो यहाँ पे व्यक्ति का नीच स्वभाव भी दुर्धता और नीचता से भरा होता है, सिर और आंखों में पीड़ा होती है ऐसा देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। व्यापार और धन संपत्ति पे हानि होती है क्योंकि यह अर्निंग्स का भी घर यही होता है, वाणी का भी यही होता है, तो आपकी वाणी में कठोरतापन आ जाती है, आप किसी का दिल आसानी से दुखा सकते हैं। आइए तीसरे घर पे क्या है, मैंने तीसरे घर पे कहा था हाउस ऑफ पराक्रम, और सूर्यदेव इस घर को पसंद करते हैं। जब सूर्य गोचर वर्ष यहाँ पे आएगा तो आप अपना पराक्रम बहुत बढ़िया करने लग जाएंगे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में भी आपको सफलता यहाँ पे यह दे डालेगा। सज्जनों से आपके उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे, शुभ फल मिलेंगे, और जो आपकी मान प्रतिष्ठा है वह यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो इंसान के घर में ये आ रही है उसका सद्व्यवहार बढ़ेगा, ठीक है जी। अब चौथे घर पे आ जाइए, चंद्र से जब यहाँ पे सूर्य गोचर में आएगा तब मानसिक और शारीरिक व्यवस्था कष्ट होती है, तो फिजिकल पेन यहाँ पे आता है क्योंकि ये हाउस ऑफ हैप्पीनेस होता है, तो कहीं ना कहीं घर पे घरेलू झगड़े देखने को मिलते हैं आ जाते हैं, लेकिन झगड़े जो होते हैं नियमित होते हैं, बड़े लेवल के नहीं होते। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं यहाँ पे हो सकती हैं क्योंकि जमीन से संबंधित घर होता है। यात्रा में असुविधा हो सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं, मान हानि की समस्या यहाँ बन सकती है। आइए पांचवें घर में जब आते हैं तो यहाँ पे क्योंकि ये आपके विजडम है, ये आपका मानसिक स्थिति यहाँ पर खाता है, तो मानसिक भ्रम जो होता है यहाँ पर हो सकता है, आपको शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है, शारीरिक और मानसिक शक्ति में कमी आ सकती है, धन हानि हो सकती है, और संतान को समस्या यहाँ पे हो सकती है, धन हानि हो सकती है, तो धन का भी यहाँ पे लॉस देखा जाता है। आइए आपके छठे भाव में, छठा भाव जैसे मैंने कहा था अच्छा फल देता है, तो यहाँ पे आपकी कार्य सिद्धि सिद्ध होगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसमें आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। शत्रुओं का घर होता है विजय प्राप्त करेंगे, रोगों का घर होता है रोग पर सफलता प्राप्त करेंगे, और यह कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो कोई भी डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ भी तरीके का प्रॉपर्टी लिटिगेशन चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आइए सातवें भाव की बात कर ले, देखिए मैं एक एक भाव आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ होती है, तो समझ जाइए आप, कुछ भी टफ नहीं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी ज्योतिष घर वेबसाइट और हमारी ऐप से संपर्क कर सकते हैं, या फिर फ्री एनालिसिस चाहिए तो इंस्टाग्राम, नहीं तो यूट्यूब तो आपके पास है, सोशल मीडिया सारा आपके पास है। इंस्टाग्राम पे आपको अपनी विमशोत्री दशा चार्ट और एक कोड CODE शेयर करना होगा, जो कि हमारी वेबसाइट और ऐप से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आइए सातवें घर में, क्योंकि आपको पता है ये जीवन साथी का घर होता है, आपकी मैरिड लाइफ का पार्टनरशिप का घर होता है, और यहाँ पे जब सूरज आएगा सीधे इफेक्ट्स को आपके सूर्य आपके चंद्रमा को पड़ेगा, सातवीं दृष्टि अमावस्या दोष बनेगा, तो यहाँ पे वाइफ या पति जो हैं वो बीमार हो जाएंगे, बीमार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी।
कार्यों में असफलता हो सकती है, क्योंकि यही पार्टनरशिप का घर है। तो अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे कमी आ सकती है पैसों में, कष्टकारी यात्राएं हो सकती हैं और धन और मान हानि के कारण मन में क्लेश हो सकता है, क्योंकि सातवीं दृष्टि सीधे सीधे अमावस्या योग का इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए हर चीज़ में एक दिमाग के साथ और आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या चीज़ है, इन घरों में अच्छा प्रभाव, बाकी घरों में सिर्फ और सिर्फ उस घर को याद रखें घर किससे संबंधित है, उससे समस्या आपको हो सकती है। आइए अष्टम भाव आता है, तो अष्टम भाव में क्या होता है, सूर्य को थोड़ा सा परिहार मिलता है, लेकिन शत्रुओं से झगड़ा होता है लेकिन सुलझा लेते हैं, क्योंकि छुपा हुआ घर है तो आपको इस वक्त किसी भी प्रकार का जुर्माना आपसे बचना चाहिए, गाड़ी वगैरह चलाते हो ध्यान रखना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना चाहिए, मुकदमे से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए आपकी स्त्री का मांगल्य भाव है, स्त्री के लिए उसके पति का मांगल्य भाव है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है और बुखार फीवर की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। अपमान आपके इन रिलेटिव्स आपकी हो सकते हैं और यहाँ पे बीमारियों से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये घर जो होता है बुरे कर्मों का फल देता है। आइए नवम घर की बात कर लेते हैं, तो ये घर जो होता है जब यहाँ पे आता है सूरज तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है, उससे ध्यान रखिए। अगर आप गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिना कारण धन और पुण्य की हानि हो जाती है, आय में कमी हो जाती है, मन अशांत रहता है, बड़ों से मित्रों से भाइयों से जो होता है यहाँ पे विरोध हो सकता है, इसलिए अपने गुरु का सम्मान कीजिए हमेशा। जब गोचर में एक महीने के लिए यहाँ पे आ रहा है या आपकी कुंडली में जन्म कुंडली में चंद्रमा से इतने घर आगे बैठा हुआ है, चंद्रमा का खेल है, चंद्रमा को ही समझिए, क्योंकि मैंने कहा है पिछली वीडियो देख लीजिएगा, चंद्रमा मन का कारक है, किसी इंसान में क्या चेंजेस आएंगे वो उसका मन डिसाइड करता है, मन जो इंस्ट्रक्शंस देता है बॉडी वही करती है। ठीक है जी, इसको नोट कर लिया। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके दसवें भाव की, दसवां क्या था, शुभ था। तो यहाँ पे आ रहा है तो कई लोग कहते हैं जी हमारी प्रमोशन नहीं हुई, तो ये प्रमोशन का टाइम होता है, प्रमोशन हो जाती है, अप्रेजल लग जाता है, बड़े लोगों से सफलता मिलती है और गेट टू गैदरिंग आप करते हैं, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, मान गौरव और प्रताप यहाँ पे राइज होता है, तो ग्राफ जो होता है वो राइज देखने को मिलता है। और मैंने कहा था ग्यारहवें भाव में भी अच्छा फल देता है, ग्यारहवां घर क्या होता है, फाइनेंशियल वाला भाव होता है, सूर्य के जाने से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, जो शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड या LIC में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उससे फायदा हो सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और स्पिरिचुअल लेवल जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आता है, सात्विकता में वृद्धि यहाँ पे होती है और यह समय पदोन्नति का भी आपका होता है। तो आप जो पूछते हैं कि प्रमोशन कब होगी, वही इसका आंसर है। आइए बारहवें घर में, जब बारहवें घर में सूर्य आता है तो यहाँ पे वो आपको घर से दूर कर देता है, क्यों, देखिए यहाँ पे 12 नंबर नहीं जुड़ा, लेकिन आज की डेट में 21st सेंचुरी में घर से दूर जाकर कार्य करना, विदेश में जाकर कार्य करना अच्छा समझा जाता है, तो इसे अच्छा भी आप कह सकते हैं। कार्य और जब बाहर जाएंगे तो वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी और हर इंसान चाहता है कि शॉर्टकट से पैसे मिल जाएं, तो इस तरीके से ये खराब बन जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको फीवर की समस्या देखने को यहाँ पे मिल सकती है, रोग उत्पन्न हो सकते हैं, पेट में अधिक गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए।